हेलो लवलीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वॉल कोलाज। सो ये हम बनाएंगे इंटरनेट की हेल्प से और थोड़ा ओल्ड बुक्स की मदद से। सो अभी मैं कटिंग कर दी हूँ ओल्ड पिक्चर्स, ओल्ड बुक्स से जो कि मुझे इंस्पायर करते हैं या फिर थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उस टाइप की पिक्चर्स हमने कट कर लिए हैं। और अभी मैं इंटरनेट की हेल्प से सेल्फ कोट्स या फिर फैमिली कोट्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं वो मैं राइट डाउन करूँगी शीट्स पे और अपनी थोड़ी कलाकारी दिखा के मैं बनाऊँगी वॉल्स कोलाज। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। वैसे सबको पता ही होगा कि वॉल कोलाज वगैरह ये सब हमको अमेज़ॉन या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, बट जो चीज़ हम खुद बनाते हैं मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और उससे मतलब ज़्यादा इंस्पायर हम हो सकते हैं। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस। और तुमको जो भी पसंद है, जो चीज़ इंस्पायर करती है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राॅइंग अच्छी नहीं है तब भी आप कुछ कलर्स वगैरह या फिर राइट करके भी उसको राइट डाउन कर सकते हैं और अपने वॉल्स पर लगा सकते हैं, बिकॉज वो इंस्पायरिंग हो जाता है और जो चीज़ खुद बनाएंगे तो वो इंस्पायरिंग होती है। सो यस। ऑल्सो गाइस, कमेंट में ये भी बता देना कि मेरी कलाकारी कैसी लग रही है, बिकॉज मैं ज़्यादा ड्राइंग नहीं करती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तभी मैं ज़्यादा ड्राइंग करा करती थी, बट अभी मैं ज़्यादा ड्राइंग नहीं करती हूँ तो इसमें मैंने थोड़ी कलाकारी दिखाई है, तो वो भी बता देना आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ड्रॉ भी नहीं कराया, बस क्रेयॉन्स कलर उठाए और उसे से ड्रॉ किया है जो भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सीधा पेन यूज़ करा है और क्रेयॉन्स कलर यूज़ करें, पेंसिल यूज़ नहीं करी। सो यस, ये कलाकारी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा खासा ड्रॉ करा है और लिख भी लिया है। सो इसमें मैंने बस क्रेयॉन्स कलर का यूज़ करा है जैसे कि आप देख सकते हो। सो उससे भी आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हो। सो यस। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो आप ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा। और ये सब जो भी मैंने बनाया ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। सो ये कोई भी प्रिंटेड वगैरह नहीं है, सो ये कस्टमाइज है।
इधर के लिए ही बनाने चाहिए मेरे को लग रहा है, इधर भी बनाएंगे थोड़े बहुत, है ना मम्मी, इधर के जगह जो बच रही है फिर पूरा कवर हो जाएगा, पूरी ढक देंगे, मस्त लगेगा। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरा हाथ से बनाया मैंने। कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।